हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में मैं इप्सन L361 के टाइमिंग बेल्ट और एनकोडर स्ट्रिप कैसे चेंज करते हैं वो दिखाऊंगा। ये पूरा टूट गया है। चलिए स्कैनर यूनिट को हटा देंगे। स्कैनर यूनिट का तार है ये, इसको हटा देंगे। स्कैनर यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉक है ये, और यहाँ पे एक लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक लॉक है। ये दोनों लॉक को प्रेस करके हमको खोलना पड़ता है। यहाँ पे एक लॉक है, इसको अगर आप ऐसे निकालें, ये पहले भी निकाल सकते हैं आप। निकाल के हम इसको हटा देंगे। इधर भी दो लॉक हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे भी और एक लॉक है, इसको भी आपको ध्यान, मतलब यहाँ पे इसको देखना है और साथ में इसको भी थोड़ा प्रेस करके निकालना है। ये जंग लगा हुआ है पूरा। अभी यहाँ पे जो मोटर है इसको खोलेंगे हम।
ये जो आप मोटर देख रहे हैं हमारा मोटर देखिए मोटर को खोल दिया हमने। अभी इसको खोलना है। ये स्प्रिंग खोल के लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए पहली बार लगाएंगे तो। ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा कैसे लगाते हैं इसको। यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोलना है। यहाँ पे और एक स्क्रू है, इसको भी खोलना है। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको खोलना है। यहाँ पे एकदम साइड में अभी ये इजी हो गया। यहाँ पे एक लॉक दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देने से ये खुल जाता है। मैं इसको भी खोल दूंगा। ये खराब हो गया है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा।